तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट कुल्फी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। झटपट बन जाती है और ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं आज हम बिस्किट की कुल्फी। मैं यहाँ पर मिल्क पिकीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पार्ले जी बिस्किट ले सकते हैं या फिर इस तरह की बटर कुकीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो छोटे वाले पैकेट लिए हैं मैंने और बिस्किट्स को हमें इस तरह से तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डालना है। तो सारे बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिस्किट्स को मैंने थोड़ी देर ग्राइंड कर पाउडर बनाया है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर कॉफी पाउडर का यूज कर रही हूँ। तो 1/2 स्पून कॉफी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉफी पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर एक डेरी मिल्क को भी तोड़कर डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा दूध। और दोस्तों ये जो मैं दूध ले रही हूँ ये बॉइल्ड मिल्क है और रूम टेम्परेचर पे है। तो ये पहले मैंने 1/2 कप दूध डाल लिया है। तो बस इसे हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का पेस्ट बना है। थोड़ा सा गाढ़ा है अभी भी ये। तो पहले तो चम्मच से इसे एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि नीचे में जो बिस्किट्स हैं वो ऊपर आ जाए। और अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर जरूरत के हिसाब से मिल्क ऐड कर लिया है और इसे फाइनली एक बार और ग्राइंड करेंगे हम। तो बस थोड़ी देर के लिए आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और अब देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट बन गया है और इतना ही फ्लोइंग होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं जब गिरा रही हूँ तो ये एकदम से नहीं फ्लो कर रहा है। तो बस इतना ही रखना है आपको भी। तो चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं मोल्ड्स में। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं है तो आप ग्लास और चम्मच का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह के जो भी छोटे ग्लास होते हैं स्टील के, वो आप ले लीजिए और स्टिक की जगह उसमें स्पून लगाकर भी जमा सकते हैं। या आपके पास जो छोटे पेपर ग्लास होते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं कुल्फी जमाने के लिए। तो बस सारे सांचों में हमें ये मिक्स भर लेना है। थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि ये नीचे तक सेट हो जाए और इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। और बस इसे आप कवर कर दीजिए और स्टिक लगा लीजिए। और बस इसे फ्रीजर में रखना है हमें 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं फ्रिज में। कुल्फी बिल्कुल सेट हो चुकी है। ओवरनाइट मैंने इसे फ्रीजर में रखा था और डीमोल्ड करने से पहले इसे मैंने पानी के बर्तन में रखा है। और चलिए आप कुल्फी निकाल के देखते हैं कि कैसी बनी है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, टेक्सचर देखिए कितनी क्रीमी और मलाईदार लग रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने दूध से नहीं बिस्किट से बनाई है। इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ ऊपर से। दिखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। खासतौर पर बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद आती है, तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो ऊपर से वो डाल दीजिए। और ये रेडी है हमारी इंस्टेंट बिस्किट्स की कुल्फी। तो चलिए हम बनाते हैं हाइड एंड सीक की चॉको चिप कुल्फी। मैं यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको हाइड एंड सीक नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा चॉकलेट बिस्किट या फिर आपके घर में जो भी बिस्किट अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। ये देखिए, बीच से मैंने इसे 2 भागों में काट लिया है। तो एक नाइफ लेकर आपको इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। ये देखिए, बीचों बीच में इसे काट रही हूँ। अब सारे बिस्किट्स को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और एकदम बारीक पीस लेंगे। तो इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ दूध। तो ये बॉइल्ड मिल्क है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। मैं इसकी मलाई भी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मलाई और 1/2 कप दूध मिला लीजिए। और इसे दोबारा से ग्राइंड कर मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो हम इसमें बाद में थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और जिस ग्राइंडिंग जार में हमने इसे पीसा था उसमें 2-3 चम्मच दूध डालकर आप इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। तो
अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो बस इतना ही रखना है आपको, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना एकदम फ्लोइंग। स्वीटनेस थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक चम्मच भरकर पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ। तो ये पिसी हुई चीनी है, एक टेबलस्पून भरकर डाली है मैंने। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और एकदम लम्प फ्री हमको पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए फेंट लिया है मैंने सारी चीजों को, और अब मैं इसमें मिला रही हूँ चोको फ्लेक्स। ये चोको फ्लेक्स मैंने घर पे ही बनाए हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास बाजार के चोको चिप्स हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में चोको चिप्स अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आपको इन चोको फ्लेक्स को घर पे किस तरह से बनाना है उसकी भी रेसिपी मैंने वीडियो में आगे शेयर की है, तो आप जरूर चेक करें उसे भी। चोको चिप्स मिलाने से फ्रेंड्स जब आप इसे खाएंगे तो बीच बीच में क्रंची चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। तो बस ये हमारा कुल्फी मिक्स रेडी है। आप दो ग्लास ले लीजिए और ये जो खाली रैपर है इसमें ही हम कुल्फी जमाने वाले हैं। तो ग्लास के अंदर इन रैपर्स को रख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इन्हें। तो एक स्पून या नाइफ से हल्का सा दबाकर इसे बैलेंस कर लीजिए। और ये हमारा जो कुल्फी मिक्स है इसे हम इन मोल्ड्स में डालेंगे। तो जो बिस्किट का पैकेट था वो हमारा मोल्ड बन गया है। तो इन कुल्फियों को जमाने के लिए आपको कोई मोल्ड्स की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों पैकेट्स में मैंने कुल्फी का मिक्स डाल लिया है। अब इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। तो ये देखिए इस तरह से पूरे ग्लास को मैं कवर कर रही हूँ, और ऊपर से इस तरह से हल्का सा कट देंगे और इसमें हम कुल्फी स्टिक लगा लेंगे। अगर आपके घर में कुल्फी स्टिक नहीं है तो आप कोई भी स्पून के हैंडल को यूज कर सकते हैं, छोटी जो स्पून होती है हमारे घर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप इन कुल्फियों को ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह का छोटा सा ग्लास ले रही हूँ स्टील का, और इसमें मैं जमा रही हूँ। तो जो मिक्स बच गया था मैंने उसे ग्लास में ट्रांसफर कर लिया है। ऊपर से इसे फॉइल से कवर कर इसमें आप या तो स्पून लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह की प्लास्टिक की स्पून का यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप इसमें स्टील की चम्मच भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो ये भी रेडी है फ्रीजर में जाने के लिए। तो बस 8-10 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज होने दीजिए, और ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद अब मैंने इन्हें फ्रीजर से निकाल लिया है। चलिए इन्हें डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड करने के लिए आपको रैपर को कट करके इस तरह से अलग कर लेना है, और ये तैयार है टेस्टी क्रीमी बिस्किट्स की कुल्फी। जरूर ट्राई करिए, और वीडियो के आगे में मैंने चोको चिप्स की रेसिपी भी शेयर करी है, तो उसे भी देख लीजिए। चोको चिप्स बनाने के लिए हमें पहले तो चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ पानी गर्म होने रख दिया है, और उसके ऊपर एक कटोरी में मैं डार्क चॉकलेट रख रही हूँ। तो आप कोई भी चॉकलेट कंपाउंड ले सकते हैं, डार्क या मिल्क जो आपको पसंद हो, या फिर आप डेरी मिल्क भी ले सकते हैं। मैं ये वाला डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ। तो इस तरह का डबल बॉयलर बनाकर हमें पहले तो चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स चॉकलेट पिघलना शुरू हो गई है। तो अच्छे से इसे फेंट कर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब चॉकलेट को साइड रखकर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। मैं यहाँ पर ये दूध का पैकेट ले रही हूँ, अच्छे से वॉश कर सुखा लीजिए इसे पहले तो। और इसे अब हम कट कर इसका कोन तैयार करेंगे। तो जिस तरह हम मेहंदी वगैरह के लिए कोन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमें। एक ग्लास में रख लेते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, और ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी इसे अब ट्रांसफर कर लेते हैं इस कोन में। दोस्तों चॉकलेट को जब आप कोन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जब हम इसके चोको चिप्स बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगी और अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये सारी चॉकलेट को मैंने ट्रांसफर कर लिया है इस दूध के पैकेट के अंदर। ऊपर से एक रबर बैंड लगा लेंगे, और बस ये हमारा कोन रेडी हो गया है। और एक और प्लास्टिक को कट कर मैंने इस तरह से बिछा लिया है, इस पर ही हम चोको चिप्स बनाने वाले हैं। अब कोन को हम नीचे से हल्का सा कट करेंगे, ये देखिए एकदम छोटा सा ही कट करना है, और इस तरह से अब हम इसके चोको चिप्स बनाएंगे। तो बस छोटे छोटे डॉट्स डालते जाइए। तो थोड़ी दूरी पर फैलाते हुए हम सारे चोको चिप्स बना लेंगे।
बस 5-10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, तुरंत ही ठंडे होकर ये सेट हो जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से निकल रहे हैं ये, और इसे बनाकर आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और कई रेसिपीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे विदाउट कुकिंग इजी इंस्टेंट चॉकोबार। मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने रात भर फ्रिज में रखा था तो एकदम ठंडी हो चुकी है ये क्रीम। ये देखिए दोस्तों, कितनी गाढ़ी हो गई है ये। तो बस आपको भी इसे 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो ये मैंने करीबन 1 कप फ्रेश क्रीम ले ली है। अब एक फोर्क की मदद से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से विस्क करना है हमें इसे। तो लगातार इसे हम 1-2 मिनट के लिए फेटेंगे, और जैसे जैसे हम इसे फेटेंगे ये थोड़ी सी मेल्ट होती जाएगी। और अब इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों, तो ये जो क्रीम है बढ़िया तरीके से फिट चुकी है। तो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। 1 कप क्रीम में लगभग आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क मिलाया है। और अब दोबारा से हम दोनों चीजों को फेटेंगे, और अब इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है ये। और अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, बस 2-3 ड्रॉप ही डाल लीजिए। अच्छे से इसे मिक्स कर अब ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। टेक्सचर देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको इसे फेटना बहुत बढ़िया तरीके से। और ये हमारा कुल्फी मिक्स रेडी है, इसे अब हम मोल्ड्स में डालेंगे। मैं यहाँ पर ये कुल्फी मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड्स नहीं है तो आप कोई भी स्टील के ग्लास लेकर उसमें जमा सकते हैं। ऊपर से फॉइल लगाकर कवर कर देंगे, और बीच में मैं इस तरह से स्टिक लगा दे रही हूँ। तो हल्का सा चाकू से इसमें निशान लगाकर स्टिक्स लगा देंगे इसमें। और फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो को देखने के बाद काफी व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि अगर घर पे कुल्फी स्टिक्स ना हो तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, आप स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्पून को जस्ट पलट कर यूज करिए और वो आपके लिए स्टिक का काम करेगा। मेरे घर में कुल्फी स्टिक्स थी तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इसे अब हम रखेंगे फ्रीजर में करीबन 8 से 10 घंटे के लिए। इसे फ्रीजर में रख दीजिए या फिर इसे ओवरनाइट जमने के लिए छोड़ दीजिए। और ये जो बचा हुआ मिक्स था उसे मैं इस तरह से बॉक्स में जमा रही हूँ। तो कोई भी एयर टाइट टिफिन लेकर आप उसमें जमा सकते हैं। तो अब इसको भी जमने के लिए रख देते हैं। करीबन 8-10 घंटे तक जमाना हमें इसे। कुल्फी को डीमोल्ड करने से पहले हम चॉकलेट को रेडी कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने गैस पर पानी को रख दिया गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर हम ये चॉकलेट का बर्तन रखेंगे। मैं यहाँ पर ये डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज कर रही हूँ, इस तरह का पैकेट आता है तो मैं वही ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो बस उसके ऊपर चॉकलेट को हमें मेल्ट कर लेना है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल। तो ये सनफ्लावर ऑयल है, ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ऐसा करने से जब हम इसमें कुल्फी को डिप करेंगे तो चॉकलेट जो है वो बढ़िया तरीके से चिपकेगी। तो थोड़ा सा ही मिलाना है हमें इसे। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। ये मैंने फ्रीजर से कुल्फी निकाल ली है, बढ़िया तरीके से जम चुकी है। और इसे डीमोल्ड करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए इसे पानी के बर्तन में रखेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है कुल्फी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चॉकोबार बना रहे हैं इसलिए मैं इस पे चॉकलेट की कोटिंग दे रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी कुल्फी पे हम चॉकलेट लगा लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये सेट हो जाए तो आप इसको दोबारा से चॉकलेट में डिप कर डबल कोट कर सकते हैं। और ये रेडी हो गई हमारी होममेड चॉकोबार, वो भी एकदम झटपट, कोई कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स, एकदम बाजार जैसी ही लगेगी आपको ये, और बनाने के लिए भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए, और मेरी बाकी की भी कुल्फी रेसिपीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है तो उन्हें भी चेक करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।